मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट कर रहे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और अक्सर अपनी पोस्ट के जरिए शो में आने वाले लोगों को प्रेरणा देने वाली कहानी शेयर करते हैं। हाल ही में केबीसी में मध्य प्रदेश पुलिस के ट्रैफिक कांस्टेबल के पद पर तैनात विवेक परिहार शामिल हुए और शो के दौरान उन्होंने बताया कि वो और उनकी पत्नी दोनों पुलिस में हैं लेकिन अलग अलग जिलों में तैनात हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने मध्य प्रदेश के सीएम और डीजीपी से उनकी मदद करने की अपील की लेकिन मामला पूरा ही उल्टा पड़ गया। कौन बनेगा करोड़पति शो में कंटेस्टेंट के तौर पर आए विवेक परिहार ने हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब दिए और 25 लाख रुपए की धनराशि जीती। शो में बातचीत के दौरान विवेक ने अमिताभ बच्चन को बताया कि वो मंदसौर में रहते हैं जबकि उनकी पत्नी जो खुद भी मध्य प्रदेश पुलिस में है ग्वालियर में तैनात है। विवेक ने बताया कि नौकरी की वजह से उन्हें और उनकी पत्नी को अलग अलग रहना पड़ता है जिसकी वजह से दोनों के सामने कई दिक्कतें आती हैं। विवेक की बात सुन अमिताभ बच्चन ने शो के दौरान ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान और पुलिस अधिकारियों से निवेदन किया कि अगर संभव हो तो उनकी मदद करते हुए पति पत्नी को एक ही जिले में ट्रांसफर कर दिया जाए। अमिताभ बच्चन ने अपनी अपील में कहा कि मध्य प्रदेश के जो भी अधिकारी ट्रांसफर की जिम्मेदारी संभालते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया इन पति पत्नी को साथ मिलाने के लिए इनका ट्रांसफर एक ही जिले में कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन इनकी मदद हो जाएगी। अमिताभ बच्चन की इस अपील को सुनने के बाद मंदसौर से भाजपा विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के डीजीपी से विवेक परिहार और उनकी पत्नी को एक ही जिले में ट्रांसफर करने की गुजारिश की। वहीं ग्वालियर के इंद्रगंज पुलिस में तैनात विवेक की पत्नी प्रीति ने कहा कि वो अपने पति के साथ रहकर नौकरी करना चाहती है। मामला लाइमलाइट में आया और आखिरकार 18 जनवरी को मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय से विवेक की पत्नी प्रीति के ट्रांसफर के आदेश जारी हो गए। प्रीति परिहार को मंदसौर के नारकोटिस विभाग में 3 साल के लिए डेप्टेशन पर भेज दिया गया। हालांकि अपनी पत्नी के इस ट्रांसफर ने विवेक परिहार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। दरअसल विवेक परिहार के माता पिता ग्वालियर में रहते हैं और उनकी पत्नी जो मंदसौर आ गई हैं अब माता पिता की देखभाल करने वाला वहां पर कोई नहीं। अपनी पत्नी के ट्रांसफर पर विवेक परिहार ने कहा कि ग्वालियर में मेरे बूढ़े माता पिता को देखने वाला कोई नहीं, अब तो हमारी मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि आदरणीय अमिताभ बच्चन जी के आग्रह पर मध्य प्रदेश के डीजीपी जी ने आपने समस्या का समाधान किया, धन्यवाद आपका, लेकिन समाधान के बजाय समस्या बढ़ गई है। दोनों एक जगह पर आ गए लेकिन दोनों के बुजुर्ग माता पिता की मुश्किलें बढ़ गई हैं, अतः आदेश संशोधित कर विवेक को मंदसौर से स्थानांतरित करने के आदेश प्रदान करें। ब्यूरो रिपोर्ट लाइव उत्तर प्रदेश।